Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sanu Nonstop. It's me guys, Sri Sanu, and you are watching Sanu Nonstop. So guys, again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है मार्कोस कमांडो की जो है वो एटीट्यूड स्टेटस अगेन से इंडियन आर्मी की जो स्पेशल फोर्सेस होती है मार्कोस कमांडो, ठीक है. 10,000 लोग होते हैं जो उनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है और उनमें से सिर्फ एक मार्कोस जो है वो सिलेक्ट किया जाता है एज ए मतलब मार्कोस कमांडो, ठीक है. और बहुत ही टफ किस्म की इनकी ट्रेनिंग होती है, बहुत ही मुश्किल से जो है वो इनकी सिलेक्शन होती है, बहुत ही मुश्किल से जो है वो एक मार्कोस कमांडो बनता है, ठीक है. और मुझे बहुत टाइम के बाद ये चीज पता चली कि इनके घर वालों को भी नहीं पता होता कि दे आर मार्कोस, ठीक है. और बहुत ही एक खुफिया किस्म के मिशन के ऊपर ये काम करते हैं जिसमें कोई दूसरा बंदा इनके घर का फैमिली मेंबर रिलेटिव इन्वॉल्व नहीं होता और ये बस अकेले ही उस काम के ऊपर लगे होते हैं, ठीक है. तो आज इनके एटीट्यूड स्टेटस लेकर आपकी पेशी खिदमत हाजिर हो चुकी है. अगर आप लोग भी मार्कोस के मेरी तरह फैन है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर रेड हार्ट टाइप कर दीजिएगा. और जितने लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा पहले फटाफट से जल्दी जल्दी मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, कर देना लाइक और शेयर. आप लोगों की बहुत ज्यादा मेहरबानी होगी. बहुत ज्यादा लोग यार वीडियो देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, आई डोंट नो व्हाई, बट आज आपने अच्छे बच्चों की तरह सब्सक्राइब करके जाना है. तो फटाफट से जो है वो वीडियो फर्स्ट वाला हमारा जो स्टेटस है मार्कोस कमांडो का एटीट्यूड स्टेटस वो है या पर एक पैरा एसएफ कमांडो सिर्फ अपने हाथों से दुश्मन को इतने तरीकों से मार सकता है इतना इन्हें शायद पता भी नहीं होगा. हाउ विल दे टीच मी ऑन ग्राउंड कॉम्बैट टैक्टिक्स. मार्कोस के मगरमच्छ से बैठ के देख, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में. ये सबसे ऊपर आते पारा है सबसे भी. Exactly. Marcos bhai, they are giant of this jungle. वो last time मुझे याद है एक status मैं वगैरह के लोगों को मार्कोस को जंगल से डर नहीं लगता, वहां पे भूत होते हैं, ठीक है, चुड़ैले होते हैं. तो कहते हैं कि हम खुद ही भाई जंगल के जो है वो बड़े जिन है तो हमें क्या डर लगना है. नेक्स्ट देखते हैं. और इनको मायरीन भी बोला जाता है. डल्ले के इर्द गिर्द सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं क्योंकि SKICC में मीटिंग होनी है 22, 23 और 24 को कश्मीर में G20 मीटिंग्स होनी है. इस सिलसिले में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं, मरीन कमांडोज का तैनात किया गया है. जब सबसे बेस्ट से बेस्ट सुरक्षा का इंतजाम करना होता है ना फिर जो है वो मार्कोस को बुलाया जाता है. नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास. नेक्स्ट बात कहना चाहता हूँ. मैं लाउंज में था मुंबई एयरपोर्ट पे, सामने मेरा एक लड़का बैठा था ऐसे वेरी शाय एंड ही केप्ट लुकिंग एट मी. वो फोटो खिंचवाना चाहता था बट ही डिडंट नो हाउ टू कम टू मी. देन फाइनली आई सेड कम. तो वो आया एंड ही सेड माय वाइफ वुड लाइक दिस फोटो इफ यू डोंट माइंड. आई सेड हां 100%. खींचा उसने. आई आस्क्ड हिम आप क्या करते हो. ही इज सेइंग आई एम अ मार्कोस. उनका बिहेवियर इतना शांत होता है, ठीक है, बट अपने काम में वो शांत नहीं होते, बहुत परफेक्ट होते हैं. एक पैरा एसएफ कमांडो सिर्फ अपने हाथों से दुश्मन को इतने तरीकों से मार सकता है जितना इन्हें शायद पता भी नहीं होगा. हाउ विल दे टीच मी ऑन ग्राउंड कॉम्बैट टैक्टिक्स. मार्कोस के मगरमच्छ से बैठ के देख, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में. इनको मगरमच्छ भी बोलते हैं because they are very dangerous. दोस्तों इन तुर्किस्तानी कमांडोज को जरा गौर से देखिए. ये कमांडोज हर तरह की सिचुएशन में अपने मिशन को अंजाम देने के लिए सक्षम होते हैं और इनके पास ऐसे खतरनाक वेपन्स हैं जो पल भर में युद्ध का मंजर बदल सकते हैं. लेकिन क्या होगा जब इनका सामना भारत के मार्कोस कमांडो से हो जाए. क्या ये भारतीय मरीन कमांडोज के सामने टिक पाएंगे. हर एक सच्चा भारतीय वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर से लिखिएगा. सच्चे भारतीय लाइक करो यार. नेक्स्ट देखते हैं. क्या आप जानते हैं मार्कोस कौन होते हैं. ये क्या बला है. कौन ये बला ही है. मार्कोस चुपचाप रहकर काम करने वाले सैनिक हैं. दुनिया की सबसे ज्यादा प्रोफेशनल स्पेशल ऑपरेटिंग यूनिट है. इसकी सिलेक्शन बहुत ज्यादा ब्रूटल है. ट्रेनिंग से पहले इनका 3 दिन तक फिजिकल फिटनेस और एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है. 80% कैंडिडेट आउट. अब शुरू होती है इनकी ट्रेनिंग. रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके. 20 घंटे की ट्रेनिंग 4 घंटे की नींद. 20 घंटे की ट्रेनिंग 4 घंटे की नींद. 35 दिनों तक आधे से ज्यादा तो खुद ही भाग जाते हैं और जो बच जाते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं. जी नहीं, अब शुरू होती है इनकी एक्चुअल ट्रेनिंग.
इंडिया में, इंडिया के बाहर, जगह जगह पर इनकी ट्रेनिंग होती है, पैराशूट जंप्स की, स्कूबा डाइविंग की, ग्लेशियर्स में रहने की, रेगिस्तान की झुलसती गर्मी में रहने की। फिर अमेरिका के कोलोराडो में ट्रेनिंग होती है। जब ये सारा प्रोसेस खत्म होता है तब जाके मिलती है ये सफेद यूनिफॉर्म, मरून कैप और छाती पे लगता है ये मार्कोस बैच। आज तक सिर्फ 4,000 मार्कोस बने हैं। मुझे पहले से मार्कोस का नहीं पता था, आपको मुझे था? थोड़ा बहुत पता था, इतना पता नहीं था। और 20 घंटे की ट्रेनिंग और 4 घंटे की नींद, बहुत ही ब्रूटल ट्रेनिंग है सच में। आप इस चीज से हिसाब लगाएं कि आज तक सिर्फ 4,000 लोग ही मार्कोस बन सके हैं, ज्यादा नहीं। लाइक इतना टफ है ये बनना। नेक्स्ट देखते हैं। इंडियन नेवी के मार्कोस के बारे में सुना है? मगरमच्छ के भी बात, जहाँ मगरमच्छ भागते दिख जाए ना, 100-200-500 मगरमच्छ भागते, तब समझना एक मार्को आया है। मैं तो इनकी फैन ही होगी ना। जहाँ इतने ज्यादा मगरमच्छ हो ना, समझ आना एक मार्कस है। नेक्स्ट दोस्तों, दुनिया के सबसे खतरनाक और हाईली स्पेशलाइज्ड मरीन कमांडो फोर्स यानी कि मार्कोस, इस नाम को आपने पहले कई बार सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं कि मार्कोस कमांडो कैसे बनता है? मार्कोस कमांडो बनने के लिए सबसे पहले 3 दिन का फिजिकल टेस्ट लिया जाता है। उसमें सिलेक्ट हुए कैंडिडेट 5 हफ्ते के लिए हेलविक में भेज दिए जाते हैं। हेलविक के दौरान जवान को हर सुबह 20 किलोमीटर दौड़ना, दिन की 20 घंटे एक्सरसाइज और 60 किलो बैटल लोड के साथ 20 किलोमीटर तक चलना होता है। इन सब में एक मरीन कमांडो को 4 घंटे की नींद भी नसीब नहीं होती। इन के बाद आता है डेथ क्रॉल। दोस्तों, डेथ क्रॉल में कीचड़ भरे एक मैदान में कमांडो को शरीर पर 25 किलो वजन रखकर 2.5 किलोमीटर तक क्रॉल करके जाना होता है। इस ट्रेनिंग के बाद कमांडो पूरी तरह थक जाता है, उसे नींद आने लगती है। तब 25 मीटर दूर टारगेट पर निशाना लगाना होता है। जो कमांडो हेल वीक को कम्प्लीट कर लेते हैं उनको कोचिंग के नेवल डाइविंग स्कूल में भेज दिया जाता है। ट्रेनिंग के पहले मंथ में ही 50% जवानों को वापस भेज दिया जाता है और फिर जो बच जाता है उसे 2.5 से 3 साल तक सभी प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। तब कहीं जाके एक मार्कोस बनता है। ठीक है, इट्स नॉट इजी थिंग। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, मार्कोस कमांडो अमित सिंह राणा 14 राष्ट्रीय राइफल के साथ ऑपरेशन सोग बाबा में शामिल थे। आतंकियों को सोग बाबा नामक एक गांव में घेरा गया था। आतंकी गौशाला में छिपे थे। मार्कोस कमांडो अमित सिंह राणा ने तेजी से गौशाला में IED रख दिया। आतंकियों ने अमित पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी, परंतु कमांडो अमित ने निडरता से गौशाला को उड़ा दिया और 3 आतंकी को मार गिराया। एक दूसरे ऑपरेशन डंडा में कमांडो अमित राणा ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने ऑफिसर को कवर फायर देते हुए बेहद करीब से 1 आतंकी को मार गिराया था। दोनों ऑपरेशनों के दौरान इस नौसैनिक कमांडो की वीरता की खूब सराहना की गई। मार्कोस कमांडो अमित सिंह राणा को आतंकियों को निष्क्रिय करने और युद्ध क्षेत्र में अपनी वीरता और अदम्य साहस के परिचय के लिए 100 चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों, आपको यह जानकारी बहुत ही कमाल की, और ये सारे स्टेटस जो थे ना बहुत ही बढ़िया थे, बहुत कमाल करते। मैं तो एकदम से जो है वो मार्कोस की फैन बन चुकी हूँ। बहुत ही अच्छे ये स्पेशल फोर्सेस होती है और इनको किसी चीज का कोई डर भी नहीं होता। लाइक कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट होना, तो बड़ा स्पेशल किस्म का प्रोजेक्ट हो जो किसी को नहीं बताना, ठीक है, गुप्त छुप्त रखना, तो फिर मार्कोस को बुलाया जाता है और वो उसी बहुत ही खूबसूरती से वो हर चीज हैंडल करते हैं बहुत ही अच्छे से, और बगैर डरे जो है वो दुश्मन का मुकाबला भी करते हैं। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? मुझे तो बहुत ही कमाल की लगी। और आप लोग मुझे जरूर बताइएगा, किसी मार्कोस कमांडो का इंटरव्यू पड़ा है यूट्यूब के ऊपर तो जरूर बताइएगा, उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते जाइएगा। तो चलिए, कैसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।